हाँ तो प्रिय छात्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज है हिंदी का वायरल प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जाएगा वो जैनिंग तरीका से दिया जाएगा, जो बिल्कुल रूप से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ये सेकेंड सिटिंग का कोड है, दूसरा एक आपका। हम विशेष आपको इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न की ओर चलेंगे। और किसी भी तरह के यहाँ पर आपको फालतू या फेक का आपको नहीं बताया जाएगा। जो प्रश्न इसमें बताया जाएगा वो आपके परीक्षा में पूछने की काफी चांसेस होगा, इसलिए आप पूरे प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या पता कल के एग्जाम में पूरे पूरे छप जाए। तो आपको यहाँ से ही देख कर जाना है। और प्रश्न तो वैसे भी मैं गारंटी ले सकता हूँ हिंदी में कि प्रश्न आपको यहीं से पूछा जाएगा। पूरा तरीका हम बताने वाले हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं सही से तो आप 100 में 100 गणित को हिंदी में ला सकते हैं आप, ठीक है। गणित पहला दिन था, उसमें भी हमने ऐसा ही बताया था आपको, प्रश्न दिए हुए हैं सबसे, है ना। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? तो ये जो है किस भाषा से अनुदित है, तो इसका सिंपल जवाब आपका हो जाएगा कन्नड़ भाषा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट सही है। दूसरा प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के रचनाकार यानी इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक है सात कोड़ी होता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ये जो उपन्यास है ये ईश्वर पेटलीकर का सबसे अच्छा ये उपन्यास है। चलिए, चौथा प्रश्न है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है हॉस्पिटल में बोलने देखने को मिला था और ऐसा मेटर ने नहीं बोला था, ठीक है। ऑप्शन ए होता है, ये पियोन की तरह होता है, चपरासी की तरह होते हैं लोग, हॉस्पिटल में रहते हैं। अगला है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो ये अपने बेटे लोग को बुलाए थे, लेकिन किस बेटे को? ये अपने बड़े बेटे को, ठीक है, बड़े पुत्र को इन्होंने पत्र लेकर के बुलाए थे, शहर से गांव बुलाए थे। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है? दोस्तों, लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम था अच्युत नाम था, ठीक है, अच्युत। याद रखिएगा, सभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, तो घबराइएगा नहीं और हर एक प्रश्न को बना के आइएगा और हम आप लोग के साथ हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होने देंगे। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुण निधि ने स्वयं किया था, ठीक है, स्वेच्छा दल का निर्माण, ठीक है, गुण निधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? दोस्तों, लक्ष्मण जो है ये आपका कोलकाता में नौकरी करता था, लक्ष्मी के ये हस्बैंड थे। किसके हस्बैंड थे ये? लक्ष्मी। पूछता है लक्ष्मी के पति कौन थे, तो आप लक्ष्मण बता सकते हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं कि लक्ष्मी के बेटा बनाते हैं लक्ष्मण को, बहुत बड़ा गलत होता है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नौ नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तब मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। ऑप्शन आपका डी है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। दस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? किस दिन लगा था? तो उनको लगा था नरसिंह जी वाले दिन, नहार सिंह जी वाला दिन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ये क्यों ऐसा बात है बोले? 11 प्रश्न का हो जाएगा आंसर, भेदभाव के कारण जो है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये भेदभाव का सबसे विशेष और मूल कारण होते हैं। 12वां प्रश्न है, पूछा गया है, मदन के लिए खाना मामूली था, क्या खाना? मतलब खाना खाने मतलब रोटी चावल दाल नहीं, मतलब मार खाना मामूली था, क्योंकि यह गरीब का लड़का था और बहुत ज्यादा निर्धन थे इसके पिताजी, इसलिए। और ये सेन साहब के यहाँ काम कर रहे थे, किरानी का, आप लोग को पता होगा, चैप्टर से प्रश्न पूछता है 2 नंबर में भी। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो 13 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मेघदूत का। ये बहुत ज्यादा भीड़ प्रश्न है, आपको रट कर ही जाना है सभी प्रश्न को, हमने पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, बहादुर का जो पूरा नाम था वो दिल बहादुर था। हिंदी में आप लोग को टेंशन नहीं लेना चाहिए, और हिंदी में बहुत बच्चे फेल भी करते हैं, लेकिन आप लोग को फेल नहीं करना है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? यह निबंध है, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन जो है यह निबंध है। ऑप्शन आपका जो बी में है सही हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर, लॉ शत्रुज क्या है? दोस्तों, लॉ शत्रुज क्या है? लॉ शत्रुज एक ईसाई मठ है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको रट के रखना है, ठीक है, याद करके रखिए। शुभम भी आपका जो प्रश्न मिलेगा आपको, वो सब के सब मतलब वो रियल वायरल क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 100% फर्स्ट सीटिंग वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि फर्स्ट सीटिंग है या सेकंड सीटिंग, लेकिन वायरल होकर ही ये प्रश्न भी आया हुआ है हमारे पास। मछली के शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी?
भाई देखो, तीन मछली जिंदा था, रास्ता में मरा था वो अलग बात है, तो तीन मछली था उसमें जिंदा। चलिए, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? तो गुरु नानक जी जहाँ किस धर्म का परिवर्तन किए थे, तो ये सिख धर्म का परिवर्तन किए थे। ऑप्शन आपका परिवर्तन क्या, ऑप्शन ए। रसखान की कृति क्या है दोस्तों? रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। राधा कृष्ण को इन्होंने प्रेम वाटिका के दो अनमोल रत्न बताए और चोर भी बताए थे। घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे? देखिए, कहीं कहीं नादिर शाह मिलेगा, कहीं कहीं औरंगजेब मिलेगा। जहां औरंगजेब है बिल्कुल गलत है, कहीं कहीं मोहम्मद शाह रंगीले देखने को मिलता है। तो अब ये बी और डी वाले ऑप्शन में फेरा है, आप क्या मारेगा यहाँ पे? देखिए, घनानंद जो मारे गए थे वास्तव में नादिर शाह के या मोहम्मद शाह रंगीले, तो नादिर शाह की सेना द्वारा मारा गया था। बुक में ऐसा बात दिया हुआ, कहीं कहीं रंगीले भी दिया हुआ है, ठीक है, और बुक में आपका नादिर शाह दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? व्याकरण से प्रश्न आपका आ चुका है, व्यंजन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंतःपुरा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? अंतःपुरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतःपुर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है दोस्तों? शुद्ध यानी सही सही खोजना, इसमें से कौन सही लिखा हुआ है कौन गलत लिखा हुआ है। तो सूर्य तो आपका ऐसे होता है सूर्य, ये तो गलत लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। और सिंदूर भी आपका गलत है, यहाँ पर ऐसे होता शासन गलत है, शासन तलाबे से होता, ऐसे होता। आपका वनवास बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सीता जी का वनवास मिला था ना, वो वनवास सही है आपका। सुरेश कौन सी संज्ञा है दोस्तों? सुरेश जो है ये व्यक्तिवाचक एक नाम है, तो नाम जो है ये व्यक्तिवाचक अर्थात प्रॉपर नाम हो जाएगा आपका। कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में, छोड़कर मत भागिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तब जाके आप पछताओगे वहां पे। तो सभा शब्द कौन है? सभा जो है ये सभा हो रही है, हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं, सभा हो रही थी। आपका यह कविता मैंने लिखी रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? यह कविता मैंने लिखी, मैंने लिखी में यहाँ पर मैंने जो है ये सर्वनाम है आपका। तो मैंने लिखा मतलब खुद है, मैं अपनी बात करें, मैंने लिखा ये हमारी बात है, मैंने ये निज बात होगा, निजी व्यक्ति की बात। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सत्ताईस से मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया, देखिए आया मतलब आया कि नहीं आया ये पता नहीं, पूछ रहा है कि आया था या आया है कि नहीं आया है, ये लग रहा है कि मतलब अभी मतलब आया है, वर्तमान में बोला जा रहा है, ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। अट्ठाईसवां प्रश्न है भाई बहन, देखिए इस तरह के प्रश्न तो बिल्कुल रूप से पूछा ही जाएगा, कहीं से नहीं दिक्कत है। भाई बहन कौन सा संज्ञा दोस्तों? भाई बहन, चाचा चाची, मम्मी पापा, राम लक्ष्मण, ऐसा सब जो होता है वो द्वंद समाप्त, चावल दाल मुढ़ी दही दही चूरा चना चूर, ये सबसे मतलब चूरा दही चूरा डाल बूट, ये सब जो होता है आपका द्वंद समाप्त हो जाता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, धन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? धन का मतलब होता है रुपया पैसा, और उसका जो पर्यायवाची है वो संपत्ति, बिल्कुल परफेक्ट सही है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, तो ये संपत्ति आपका तो कंफर्म सही हो जाएगा। अब विधवा शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? विधवा का मतलब होता है जिसका पति, जिस महिला की महिला के पति मर जाते हैं उनको कहते हैं विधवा। अब जब पति उसकी मर गए हैं तो विधवा कहते हैं, जब किसी आदमी मतलब पुरुष का जब पत्नी मर जाते हैं उसको विदुर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विधवा शब्द का उल्टा क्या होगा उस बात को आपको बताना है, तो विधवा को होता है सधवा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या होता है सधवा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगला है मदुरे को इनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरे को इनानी लोग कहते थे मेदोरा, ऑप्शन आपका बी, ठीक। चलिए एकदम तरह से प्रश्न को ध्यान से देखना है, भागना नहीं है दोस्तों, याद रखिए। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए शुद्ध वाक्य है हम तो अवश्य जाएंगे, अरे भैया हम अवश्य जाएंगे बोल सकते, ये तो गलत बात हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया गलत हो गया, हम अवश्य जाएंगे, नहीं 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 ये सही है, यही तो सही है आपका, हम ये सब तो गलत लग रहा है, ये आपका सही है, हमको तो अवश्य ही जाना है, ये गलत बात है, हम अवश्य ही जाएंगे, मुझे तो अवश्य ही जाना है, ये दोनों गलत है, यही दोनों में से कौन होगा? तो हम अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, अवश्य ही, देखिए ही नहीं लगता, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में लगता है, झूला ला बोलिए तो आ आता है आपका, ला बोलिएगा ला,
होता है ल और जोड़ होता है आ, तब जाके बनता है आपका ला, इसलिए आ प्रत्यय हो जाएगा यहाँ। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा बुद्धिमती। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए अगला है पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पंचम ध्यान से पढ़िएगा, पन जोड़ चम, पन जोड़ चम, पंचम। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी होगा। देखिए यहाँ पे प है मो हलंत, देखिए आधा मो लिखा गया था, हलंत का मान जो था आधा होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, हलंत का मान आधा होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। 36 है दूध के दांत ना टूटने के मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दूध के दांत ना टूटने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, मतलब सेकंड आप लोग का लेने वाले, यहाँ पे आपको गूगल पे आ जाना है और सर्च कर लीजिएगा वहां पे जाकर के माधव एनसीईआरटी क्लासेस, आपको हिंदी का प्रश्न पत्र मिल जाएगा, आउट वाला ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको मॉडल पेपर पे क्लिक करना है, मॉडल पेपर के अंदर ही आपको प्रश्न मिलेगा। मॉडल पेपर पे क्लिक करिए, यहाँ पे आइए, पेज को ऊपर से रिफ्रेश मार लीजिए। जैसे आप पेज को ऊपर से रिफ्रेश मारेंगे आपको यहाँ पे अभी इंग्लिश है, आपको हिंदी का मिल जाएगा। अभी जाके कीजिए आपको हिंदी मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा 100% बाहर वाला प्रश्न पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। मिलते अनुभव भी होना अर्थात अभी बच्चे हैं, इसको कुछ भी अनुभव नहीं है। निम्न में कौन सर्वनाम है? देखिए दोस्तों निम्न में कौन, आप जो है सर्वनाम है। मोहन अच्छा लड़का है, आप अच्छे लड़के हैं, मोहन की जगह जिसका प्रयोग होता है वही होता है, यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। चार गज मलमल कौन विशेषण है? चार गज है, यहाँ संख्या की बात हो रही है इसलिए संख्या हो जाएगा, चार पांच ये सब संख्या है, इसलिए आपका संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 39 नंबर है पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? पिकासो की विख्यात कृति का नाम है द मदा मोजोल द अवेन्यू, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सी सही है, कहीं से घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं 40। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? दोस्तों तालीम का मतलब होता है उर्दू में शिक्षा, तालीम का मतलब क्या होता है ध्यान रखिएगा, शिक्षा होता है, ठीक है। तो शिक्षा वो बाबूजी से लिए थे, इसमें कहीं से डांट वाली बात नहीं, उनका सबसे बड़ा गुरु बाबूजी थे और एक मम्मी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन हो जाएगा? अनुमति का पर्यायवाची जो है निम्न में से कौन होगा? तो वो हो जाएगा सहमति, अनुमति लीजिए या सहमति लीजिए तब जाकर प्रवेश करिए। रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? रक्षा का विनाश हो जाएगा, कहीं से आपका गलत नहीं है, विनाश ही हो जाना चाहिए रक्षा का, ठीक है। चलिए 44 नरेंद्र विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो शर्मा जी बताए थे आप लोग ट्रिक, शर्मा जी क्या करते हैं? विष के दांत तोड़ते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शर्मा जी के छेनी विष के दांत, कैसा शर्मा जी के छेनी के जैसा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों मैक्स मुलर जी का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 से सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? दोस्तों गला बज चुका है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए दबा करके। तो इनका हो जाएगा आंसर 1783 में पहुंचे थे वो, ठीक है। आप लोग के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 47 नंबर है अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? 47 का आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल रूप से सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 48वां प्रश्न आपसे पूछा गया जा रहा है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? दोस्तों प्रत्यय हम बताए थे जो लगता है सबसे लास्ट में लगता है, तो वास्तविक आप अगर विक बोलते हैं तो इसमें क्या होता है? वक जोड़ इक आता है, तो इक जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा आपका, ठीक है, ये इक आता है तो इक जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल रूप से करेक्ट हो जाएगा। 49 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो वो नाखून कोसा बात बोले, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 50 है कि नि उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन है? दोस्तों नि उपसर्ग से बना शब्द कौन है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका डी निशुल्क, नि उपसर्ग से जो है बना हुआ उपसर्ग कोई भी संग, किसी भी शब्द से पहले लगता है, ये पहले लगता है इसलिए इसको उपसर्ग कहते हैं। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो वो विदेशी विद्या पढ़ करके, हम 50 नहीं 51 प्रश्न बता चुके हैं आप लोगों को, ध्यान से सभी प्रश्न को देख लीजिए। 53 है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार दिया गया है?
किस मनोविज्ञान का यानी अक्षर ज्ञान में किसकी बात चर्चा हुई, इससे पहले आप बताइए। इसमें जो चर्चा हुआ वो बच्चे के बारे में हुआ, यानी बाल मनोविज्ञान का ये सहारा लेकर के बनाया गया, यानी अनुभव किया गया बच्चे कैसे सीखेगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, दोस्तों नींद जो है ये आलस का प्रतीक है। हाँ, नींद आता है तो लोग को आलस, आलस के कारण नींद आता है, ठीक है, तो आलस हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया थी, तो वो धन के कारण कर लिए थे, ठीक है, मतलब धन के कारण सोच रहे थे कि पैसा इधर उधर हो जाएगा इसलिए कर ली थी, बट यहाँ पर ऐसा बात नहीं है, तो ये प्रेम से आप कह सकते हैं ऑप्शन, ठीक है, प्रेम ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 56 नंबर है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ, दोस्तों यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो सात कोणी होता हो जाएगा, सही लगा हुआ है ऑप्शन आपका। कौन हल्ला कर बाढ़ को सबको सचेत किया था, तो गोल निधि का काम था, उसके चंद्रा शंकरा मकरा ये सब था, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, कन्फर्म है डी सही होगा, कहीं से गलती नहीं होगा। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है, देखिए हाँ माँ मानती थी उसको मुक्ति, अगर वो अपने मन से मरती है तो ये मुक्ति उनको मिल जाता है, ये चाहती थी वो। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, बहुत अच्छा, देखिए एस जो है एस मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सुजाता, रंगराजन सुजाता होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न है और हम अंतिम देखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नौ का उच्चारण स्तर क्या है, दोस्तों नौ देखिए टॉठम आता है, तो टावर के जितना भी होते हैं, टावर के जो भी होते हैं उन सब का जो उच्चारण स्तर होता है वो मूर्धा से होता है, ठीक है, मुर्दा से होता है, तो इसका जो है ये मुर्दा से हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इस क्लास को पूरा किए हैं तो आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि इसमें से आपको कम से कम 20 प्रश्न तो परीक्षा में टकराना गारंटीड है, प्रश्न चुनकर ही यहाँ पर दिया गया था। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आगे आपको सुबह में मिलेगा बिल्कुल रूप से फर्स्ट सीटिंग का वायरल क्वेश्चन और सेकंड सीटिंग का भी मिल जाएगा आपको, 10 बजे तक प्रयास रहेगा दे देने का, अगर मिल जाता है तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग को हम बता देते हैं कहाँ से डाउनलोड करना, ये हमने पीछे बता देते, आप जाकर के डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।